स्टूडेंट्स यहां पर हमें एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करने को कहा जा रहा है हमें कहा जा रहा है कि निकल मिथाइल ग्लायोक्साइम प्रिपेयर करें ठीक है प्रिपेयर निकल हैथाइल मिथाइल डायोमिथायल डायोमिथाइल ग्लायोक्साइम जो है डीएमजी इसके लिए एप्रिविएशन होती है ठीक है तो इसका एक कंपाउंड हमें बनाना है निकल के साथ ठीक है तो यहां पर हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं एप्रेटिस क्या हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे हमें बीकर चाहिए होगा पिपेट मेजरिंग सिलेंडर इसके अलावा हीटिंग मेंटल चाहिए होगा और हमें एयर ओवन भी चाहिए होगा और सेंटर क्रूसिबल वेइंग बैलेंस डेसिकेटर और फिल्टर फ्लास्क तो हम देखते हैं केमिकल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे केमिकल्स हमें निकल सल्फेट का सोल्यूशन चाहिए होगा बेसिकली निकल का एक सॉल्ट का सोलूशन चाहिए डायमिथाइल ग्लायजाइम सोल्यूशन चाहिए इसी तरह हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन चाहिए या, एक्वस अमोनिया डिस्टल वाटर चाहिए होगा और इसके अलावा हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी चाहिए और हमें क्लोराइड आइंस टेस्ट करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट भी चाहिए होगा ठीक है इसका सोल्यूशन भी चाहिए होगा फिर हम प्रोसीजर देख लेते हैं कि किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकल का सोलूशन लेंगे निकल का जो सॉल्ट है उसका सोल्यूशन होगा ट्वेंटी फाइव एम एल यहाँ से हमने निकल uh, का सोल्यूशन ले लिया बीकर लेंगे एक बड़ा सा बीकर लेंगे ठीक है ऑलमोस्ट फोर फोर हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड एम एल का ठीक है फोर हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड एम एल का हमने बीकर ले लिया उसके अंदर हम क्या करेंगे जो निकल का सोल्यूशन है ट्वेंटी फाइव एम एल इसमें से हम पिपिट आउट करके ठीक है जो अर्लिन मार फ्लास्क है इसमें से हम ट्वेंटी फाइव एम एल पिपिट आउट करके इस बीकर में ले लेंगे ये हमने इस बीकर में डाल लिया ठीक है ना आउट uh, करके इसके बाद हम एक मेजरिंग सिलेंडर लेंगे ठीक है ये हमने मेजरिंग लिया और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे उसके अंदर हम 5 एम इसको हम मेजर कर लेंगे ठीक है इसके अंदर डाल लेंगे और मेजर कर लिया इस तरह से और हम क्या करेंगे इसको भी हम इसी जो निकल का सॉल्यूशन है बेसिकली इसके अंदर हम क्या करेंगे मिक्स कर देंगे ठीक है तो ये हमने मिक्स कर दिया अब इस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट कर लेंगे विद डिस्टिल्ड वाटर तो हमने इसके अंदर ढेर सारा डिस्टिल्ड वाटर ऑलमोस्ट 200 ml तक हमने इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर डाल लेंगे और फिर इस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे स्टर कर लेंगे अच्छे तरीके से स्टर कर लेंगे और इस सॉल्यूशन को हम हीटिंग मैंटल पे सिक्सटी टू एटी डिग्री सेल्सियस तक हीट कर लेंगे सोल्यूशन को हमने हीट इसको हमने सिक्सटी टू एटी के दरमियान में ठीक है ना हमने यहाँ पर इसको जो है वो हीटिंग के लिए रख दिया इस को हम हीट कर लेंगे अच्छे तरीके से फिर हम मेजरिंग सिलेंडर के अंदर डीएम जी का सोलूशन इन डायमिथाइल ग्लायोक्साइम का सोल्यूशन लेंगे कितना सोल्यूशन लेंगे हम ट्वेंटी एमएल तक इसका सोलूशन ले लेंगे ये हम इसको अच्छी तरह बिल्कुल एहतियात से मेजर करके 20 एम तक हमने इसको फिल कर लिया और हम क्या करेंगे कि अपना ये जो हमारे पास ये जो सॉल्यूशन था निकल का सॉल्यूशन था इसको हमने अच्छी तरह हीट कर लिया तो इस हॉट सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे ये जो डीएम का सॉल्यूशन है डायमिथाइल ग्लायोक्साइम का सोल्यूशन है इसको हम इसके अंदर पोर कर देंगे ठीक है इसके अंदर एड कर देंगे ये हमने इसके अंदर एड कर दिया ठीक है और अब हम इसके अंदर डायल्यूट अमोनिया या हम कह सकते हैं एक्वस अमोनिया या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन इसके अंदर ड्रॉपर के थ्रू एहतियात से डालेंगे ठीक है और कब तक डालेंगे जब तक हम देखते हैं कि हमें स्ट्रोंग अमोनिया इस सोल्यूशन के अंदर से स्ट्रोंग अमोनिया की स्मेल न आना शुरू हो जाए ठीक है और इसका एक और भी तरीका है कि हम थोड़ा थोड़ा ड्रॉपर से ड्रॉप वाइज डालते जाएंगे और हम देखते जाए इसको स्टर करते जाएंगे देखिए हमने पहले जब डाला तो रेड कलर आया लेकिन जब हमने स्टर किया तो क्या हुआ वो जो रेड कलर है जो रेड कलर आ रहा है इसके अंदर वो डिसअपेयर हो रहा है ठीक है देखिए हमने फिर से स्टर किया तो डिसअपेयर हो गया ये कलर तो हम उस वक्त तक डालेंगे जब तक हमारे पास एक कॉन्स्टेंट कलर ना आ जाए तो देखिए हम इसको रिपीट किए जा रहे हैं ठीक है और अब इसके अंदर हमने मजीद जब डाला तो अब देखिए अब हमारे पास फाइनली इसके अंदर रेड कलर अच्छा सा रेड कलर आ गया और इसके अंदर देखिए रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स भी बनना शुरू हो गए थोड़े थोड़े हमें इसमें प्रेसिपिटेट्स नजर आ रहे हैं देखिए इसके प्रेसिपिटेट्स भी बनना शुरू हो गए ठीक है तो ये निकल डीएमजी के प्रेसिपिटेट्स हैं ठीक है ना तो अब देखिए स्टर्ड करने पे ये रेड ही रहा और इसके अंदर प्रेसिपिटेट्स आ गए इसको हम क्या करेंगे वाटर बाथ में रखेंगे और थर्टी मिनट्स के लिए इसको जो है वो इस सोल्यूशन को हीट कर लेंगे ऊपर से हमने कवर भी कर दिया और इसके बाद हम इसको क्या करेंगे कूल कर लेंगे इस वाटर ट्रे में हमने क्या लिया पानी लिया ठंडा पानी लिया और इसको हम कूल करें ठीक है इसको हम कूल करें इन द मीन वाइल हम क्या करेंगे ये एयर ओवन है इसमें हमने क्या किया है कि बीकर के अंदर सेंटर ग्लासिबल को रख के इसको हमने हॉट एयर के थ्रू इसको हमने ड्राई कर लिया ठीक है और इसको हमने क्या किया बिल्कुल क्लीन करके ड्राई कर लिया और फिर हमने एक टाइल पे रखेंगे फिफ्टीन मिनट्स के लिए थोड़ी देर के लिए रखेंगे कि ये क्या कर जाए कूल कर जाए उसके बाद हम उठा उसको जो हमारे पास सेंटर क्रूसिबल है जो बीकर के अंदर मौजूद है इसको हम डेसिकेटर के अंदर रखेंगे ताकि ये ड्राई हो जाए कंप्लीटली ड्राई हो जाए ठीक है और कब तक रखेंगे ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के लिए हम इसके अंदर रख देंगे ठीक है नेक्स्ट हम इसको मेजर uh, कर लेंगे ठीक है जो सेंटर क्रूसिबल है इसको हम वे कर लेंगे अब इस पे जो ये इसकी uh, जो इसका वजन आया है इसको हम अपने पास एक पेपर पे नोट कर लेते हैं सो so, हमने यहाँ पर हेडिंग दी ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन और यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया वेट ऑफ क्रूसिबल जो एम्प्टी क्रूसिबल है उसका वेट हमारे पास आया थर्टी वन पॉइंट एट वन टू वन ग्राम्स इसके बाद हमने यहाँ पर फिल्टर फ्लास्क ले लिया ठीक है और हम क्या करेंगे यहाँ पर सक्शन पंप है इसको यहाँ से अटैच कर लिया है फिल्टर फ्लास्क को हमने क्लैम्प के साथ अटैच कर लिया ठीक है इस क्लैम्प स्टैंड पे रखा है ऊपर से हमने क्या लगाएंगे रबर कॉर्क लगा लेंगे ठीक है ये हमने रबर कॉर्क लगा ली है और इसके बाद हम क्या करेंगे इसके ऊपर अपना जो सेंटर ग्लास क्रूसेबल है इसको रख देंगे बहुत एहतियात से इसको ऊपर प्लेस कर देंगे ठीक है अब हमने क्या करना है ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है जिसको हम कूल कर चुके हैं इसके अंदर हमारे पास रेड प्रेसिपिटेट्स मौजूद है निकल डीएमजी के तो ये इसके अंदर हम डालते जाएंगे और एहतियात से इसको हम स्टर भी साथ साथ करते चले जाएंगे ठीक है यहाँ अब देखिए हम इसके अंदर डाल रहे हैं ठीक है और एहतियात से हम स्टर भी कर रहे हैं तो ये फिल्टर हो रहा है नीचे हमारे पास क्लियर सोल्यूशन जो है वो रन कर रहा है ठीक है तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएंगे ऊपर हमारे पास प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे उसके बाद हमने क्या करना है ये जो हमारे पास बीकर हुआ, क्योंकि सारा हमने आ, फिल्टर कर लिया तो ये जो बीकर है उसी का जो बीकर था सॉल्यूशन का जो रेड सॉल्यूशन का बीकर था उसके अंदर अब हम क्या कर रहे हैं कि हम डिस्टिल्ड वॉटर डालेंगे ठीक है यहाँ पर हम इसके अंदर डिस्टिल्ड वॉटर डाल रहे हैं और हमने बेसिकली क्या करना है हमने आ, एक तो इसको पहले हम अच्छी तरह स्टर कर लेंगे ये सोल्यूशन ये जो आ,

मौजूद है उनको क्योंकि हमने रिमूव करना है तो वॉश उस वक्त करना है जब तक वो रिमूव ना हो जाए तो उनकी प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन ले लिया ठीक है ड्रॉप वाइज हमने इसके अंदर थोड़ा सा सोल्यूशन डाल लिया ठीक है बहुत ज्यादा जाया नहीं करेंगे थोड़ा सा ही लेंगे ठीक है ना क्योंकि ये हमारे पास एक्सपेंसिव सॉल्यूशन आ जाता है और हम क्या करेंगे ये जो हमारे पास यहां से रन कर रहा है इसका जो क्लियर सॉल्यूशन रन कर रहा है इसको हम इसमें से जब पास करते हैं तो देखिए इसके अंदर तो वाइट प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट में व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं जो कि बेसिकली सिल्वर क्लोराइड के हैं इसका मतलब है इसमें इस सोल्यूशन में क्लोराइड आइंस अभी मौजूद है तो हम क्या करेंगे मजीद डिस्टल वाटर लेंगे ठीक है उसी बीकर में ले लेते हैं मजीद डिस्टल वाटर लिया हम प्रेसिपिटेट्स को उस वक्त तक वॉश करेंगे जब तक उसमें से क्लोरा क्लोराइड टाइन्स जो है वो आ, हम कहते हैं कि उसके सारे के सारे उसमें से रिमूव ना हो जाए ठीक है तो यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से अप, जो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स हैं ठीक है ये बेसिकली इन प्रेसिपिटेट्स को वॉश कर रहे हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे इसके अंदर से इसको रन करेंगे अगेन हमने यहाँ से सेंट्रीफ्यूज ट्यूबल में से रन किया ठीक है और यहाँ पर जो सोल्यूशन है ये वाला जो सोल्यूशन है इसके अंदर हम टेस्ट करेंगे यहाँ पर अभी हम इसको चेक करेंगे ठीक है ना फिर से हम सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लेकर आए और हमने एहतियात से क्रूस्टिवल उठाई और जो सोल्यूशन है इसमें डाला तो देखिए अब ये वाइट प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा है इसका मतलब क्लोराइड आइंस इसके अंदर अब मौजूद नहीं रहे अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास एयर ओवन है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं इसको रख दिया ठीक है एहतियात से उठा के इसके अंदर रख दिया और हमने इसको बंद कर दिया और हम क्या कर रहे हैं इसको इसको हम एयर ओवन के अंदर रख दिया और सॉरी टू मिनट्स के लिए रखा है ऑलमोस्ट वन टेन टू वन ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पे इसको सेट कर दिया इस ओवन को ठीक है उसके बाद क्या करेंगे ऑलमोस्ट थर्टी मिनट्स के बाद हम इसके अंदर से इसको एहतियात से थ्रू टोंग्स इसको निकालेंगे ठीक है और हम क्या करेंगे इसको अब हमने कूल करना है ठीक है कूल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे इसको हम टाइल पे रखेंगे थोड़ी देर कूल करेंगे और उसके बाद हम उठा के इसको डेसिकेटर में रख देंगे तो ये हम इसको क्या कर रहे हैं डेसिकेटर में रख रहे हैं ठीक है थीके? इसको थोड़ी देर डेसिकेटर में रखेंगे ऑलमोस्ट फिफ्टीन मिनट्स के लिए हमने इसको क्या करना है डेसिकेटर में रखना है ठीक है उसके बाद हम इसको निकालेंगे यहां से और इसका बेल इसको वे कर लेंगे ठीक है तो तो बेसिकली यहाँ पर जो अब हमारे पास इसका जो वजन आएगा ठीक है इसका वेट आएगा वो क्या होगा वो कौन सा वाला होगा भाई जो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है बेसिकली ये कौन सी वैल्यू आ रही है ये हमारे पास अब ट्रूसिबल प्लस जो प्रेसिपिटेट्स हैं उनकी वैल्यू आ रही है तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं ये भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर हमने वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस प्रेसिपिटेट्स भी लिख दिया 31.9118 ग्राम्स ग्राम ठीक है अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं वेट ऑफ प्रेसिपिटेट निकाल लेते हैं वेट ऑफ प्रेसिपिटेट्स किस तरह से निकलेंगे ये जो हमारे पास जो प्रेसिपिटेट समेत यानी कि 31.9118 इसमें से माइनस कर देंगे जो सिर्फ क्रूसिबल का है ठीक है थर्टी वन पॉइंट ये बीच में पॉइंट है ठीक है इस पॉइंट को हम ठीक कर लेते हैं थर्टी वन पॉइंट एट वन टू वन ठीक है तो आंसर यहां पर क्या आएगा पॉइंट जीरो नाइन नाइन सेवन ग्राम्स आ जाएगा ये हमारे पास इसके न, इसके प्रेसिपिटेट्स का वेट आ जाता है ठीक है और इसके अलावा हम यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पर हम एक और चीज भी देख लेते हैं ऐसे करते हैं कि हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं ठीक है ये तो ड्राई प्रेसिपिटेट्स का हमारे पास वेट आ गया इसके अलावा हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पर अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं कि ये हमारे पास है डाई मिथाइल ग्लायोगओक्साइम ठीक है ये एक मिथाइल ग्रुप है ये एक मिथाइल ग्रुप है जिसकी वजह से हम कहते हैं डाई मिथाइल ठीक है तो ये डाई मिथाइल ग्लायोगाइम है इसको हम कह देते हैं डी एम जी ठीक है और ये जो पूरा हमारे पास बना हुआ है ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना हुआ है जिसके अंदर हम देख रहे हैं बीच में निकल का हमारे पास सेंट्रल सेंट्रल मेटल आ गई ठीक है निकल की सेंट्रल मेटल आ गई बाकी देखें इसको uh, इसको ने जो है क्या किया हुआ uh, हम कहते हैं कि क्लॉज uh, के थ्रू वो इससे अटैच हुए ठीक है थीके? ये क्लॉज हम यहाँ पर क्यों कहेंगे क्योंकि एक नेटवर्क सा यहाँ पर बना हुआ है ठीक है यहाँ पर जो हम देख रहे हैं क्लॉज की तरह पंजों की तरह इसको जो है वो जखड़ा हुआ है चार तरफ से ठीक है तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या जाएगा निक निकल डीएमजी आ जाएगा यानी कि निकल, निकल डायमिथाइल ग्लायोगक्साइम आ जाता है ठीक है अच्छा इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं मैं ऐसे इनको यहाँ पर लिखे रहने देती हूँ और साथ में क्या कर देती हूँ कि यहाँ पर मैं लिखूंगी कि यहां पर निकल के आइन्स भी मौजूद हो ठीक है टू पॉजिटिव आइंस निकल सल्फेट का सोल्यूशन था ना उसमें निकल के आइन्स होते हैं और साथ में प्लस लिखूंगी ठीक है इक्वेशन प्रॉपर लिखे तो यहाँ पर मुझे टू लगाना पड़ेगा ठीक है यहाँ टू लगाऊंगी क्योंकि दो दफ दो हमारे पास यहाँ पे ग्लायोगक्साइम के हैं ठीक है यहाँ पे मौजूद है ग्लायोगक्साइम के जो दो मोलिक्यूल्स ने इसको इसको जो है वो जकड़ा हुआ ठीक है और उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर हमने क्या किया था इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया किया था ठीक है यहाँ पर एक्वस अमोनिया यहाँ हमारे पास मौजूद थी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस अमोनिया हमने यहाँ पर ये कैरी आउट किया था और साथ के साथ यहाँ पर uh, क्या चीज आ जाएगी यहाँ पे मेरे, मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे हाइड्रोजन आयंस प्लस टू एच पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस आ जाएंगे ठीक है तो ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी तो यहाँ पर हमने क्या किया हमने यहाँ पे प्रिपेयर किए निकल डाया मिथाई ग्लायजाइन के प्रेसिपिटेट्स और फाइनली उनको हमने ड्राई प्रेसिपिटेट्स को हमने फाइनली उनको वे किया